कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 10 अगस्त और जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं अपने अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में इसी टाइम पर करंट अफेयर्स की वीडियोज मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में राज्यसभा के नए उपसभापति कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में राज्यसभा के नए उपसभापति बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, यानी ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों एनडीए के उम्मीदवार हैं हरिवंश नारायण सिंह को 125 वोटों के साथ राज्यसभा उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्षी उम्मीदवार जो बी के हरिप्रसाद को 105 वोट प्राप्त हुए हैं। विपक्षी उम्मीदवार कौन है? बी के हरिप्रसाद, इनको कितने वोट प्राप्त हुए? 105 वोट। थोड़ा सा हरिवंश नारायण सिंह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद और बिहार से एक संसद सदस्य हैं और एक पूर्व पत्रकार भी हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ और आपको फैक्ट बता देता हूँ। राज्यसभा की जो और भी महासचिव हैं, तो राज्यसभा की जो प्रथम महिला महासचिव थी दोस्तों वो थी बीएस रमा देवी। कौन थी? ये क्वेश्चन कई बार एसएससी और रेलवे एग्जाम में और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा गया था। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वो थी दोस्तों बीएस रमा देवी। और जो दोस्तों राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? वो थी वायलट अल्वा। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? वो थी दोस्तों वायलट अल्वा। और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपको जानना जरूरी। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति दोस्तों वो थे एस बी कृष्णमूर्ति। कौन थे पहले उपसभापति? एस बी कृष्णमूर्ति। और वर्तमान में कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं वो कौन है? देश दीपक वर्मा जी हैं। कौन है वर्तमान महासचिव राज्यसभा के? ये हैं देश दीपक वर्मा जी। दोस्तों राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा जो है तो उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को उल्लेख करता है, ठीक है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, और वर्तमान में कितनी है? तो ये 245। इसके अलावा आपको बता दें 233 सदस्यों को चुनाव दोस्तों 29 राज्यों से तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली तथा पुदुचेरी हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि विधानमंडल द्वारा किया जाता है ये, तथा शेष 12 सदस्यों का मनोनयन दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? तो होते हैं दोस्तों मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए जो तो कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रहता है इनका। कला साहित्य और विज्ञान समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों का जो है तो नॉमिनेशन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे एक फैक्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया सकता, इसको कभी भी भंग नहीं किया सकता। इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा विपक्ष के जो नेता होते हैं उसको कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो न्यूनतम आयु सीमा है कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए? तो होती 30 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा बता दें उसको भारत को उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो। और दोस्तों इसके अलावा बता दें जो उपसभापति होता है राज्यसभा की अनुपस्थिति में सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में राज्यसभा के नए उपसभापति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। इससे पहले कौन थे ये भी जान लीजिए, इससे पहले थे पीजी कुरियन, ठीक है। पीजी कुरियन इससे पहले थे राज्यसभा के उपसभापति। इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे फैक्ट मिल जाते हैं, इसी तरह मैं हर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे आप फैक्ट नोट्स में कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं एलपी ग्रुप डी के, उसमें से करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ को जरूर देख के जाइए, ठीक है दोस्तों। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारे नोट्स मैं शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वयं परियोजना का किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों हाल ही में स्वयं परियोजना जो है तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की? राइट आंसर एचआरडी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों एचआरडी मंत्रालय ने स्वयं का फुल फॉर्म क्या बताते थे? स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स,
क्या है फुल फॉर्म स्वयं का? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स नामक एक प्रमुख नई पहल पर इन्होंने शुरू की गई है, जो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें सभी उच्च शिक्षा विषयों और कौशल क्षेत्र में पाठ्यक्रम इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो। दोस्तों यहाँ पर HRD मंत्रालय की बात करें तो HRD का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें विदेश मंत्रालय की, तो वर्तमान भारत में विदेश मंत्री कौन है? वो है सुषमा स्वराज जी। कौन है विदेश मंत्री वर्तमान में? सुषमा स्वराज जी। और विदेश मंत्रालय का गठन कब हुआ दोस्तों? विदेश मंत्रालय की स्थापना हुई 2 सितंबर 1946 को। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को विदेश मंत्रालय गठन हुआ था। और यहाँ पे विदेश मंत्रालय की बात हो रही तो ये जाने वर्तमान भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान भारत के दोस्तों विदेश सचिव हैं वो विजय केशव गोखले। कौन है? विजय केशव गोखले वर्तमान भारत के विदेश सचिव हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है? दोस्तों विश्व नेटवर्क का बायोस्फीयर में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है खंचनजंगा जीव मंडल रिजर्व, ठीक है। खंचनजंगा जीव मंडल रिजर्व, देखिए दोस्तों आपको बता दी खंचनजंगा जीव मंडल रिजर्व जो कि सिक्किम में स्थित है भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि WNBR यानी विश्व नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में खंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करने का निर्णय इंडोनेशिया के पालेमबांग में आयोजित यूनेस्को की माइन ऑफ बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय में किया गया था। इसके अलावा बता दें दोस्तों भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और खंचनजंगा को शामिल करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित WNBR की संख्या 11 हो गई, जिसमें 7 बायोस्फीयर रिजर्व घरेलू बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि खंचनजंगा जो जीव मंडल रिजर्व है ये सिक्किम में स्थित है, दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है और इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 1220 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो विश्व नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन बन गया है? ये बन गया दोस्तों खंचनजंगा जीव मंडल रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में निर्यात मित्र ऐप को किसने लॉन्च किया? दोस्तों हाल ही में निर्यात मित्र ऐप को जो भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और विमानन मंत्री सुरेश प्रभु जी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? सुरेश प्रभु जी ने। देखिए दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में निर्यात मित्र ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों यह निर्यात और आयात लागू GST दर उपलब्ध निर्यात प्रोत्साहन टैरिफ वारिता शुल्क बाजार पहुँच आवश्यकताओं और दोस्तों TV2 के लिए नीति प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सभी जानकारी टैरिफ लाइन पर भी उपलब्ध रहेगी। यहीं पे बात करें दोस्तों पीयूष गोयल जी की, तो वर्तमान पीयूष गोयल जी भारत के रेल मंत्री हैं। बात करें राजनाथ सिंह की तो वर्तमान भारत के गृह मंत्री हैं और राधा मोहन सिंह जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वर्तमान भारत के। तो हाल ही में निर्यात मित्र को किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया दोस्तों सुरेश प्रभु जी, ठीक है, यानी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की अगली प्रमुख कौन होंगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मिशेल बेचलेट, यानी ऑप्शन ए रख। देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की अगली प्रमुख कौन होगी? मिशेल बेचलेट। देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिशेल बेचलेट को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेचलेट ने 2010 में अमेरिका की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण एजेंसी के पहले निदेशक के रूप में भी कार्य किया। किसमें किया इन्होंने? पहले निदेशक के रूप में अमेरिका की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण एजेंसी के पहले निदेशक के रूप में कार्य किया, जो दुनिया भर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसके अलावा बता दें आपको दोस्तों कि वह चिली की पहली महिला राष्ट्रपति थी और 2006 से 10 तक और 2014 से 18 तक दो बार इस पद पर रही थी, ठीक है। चिली की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी मिशेल बेचलेट। वहीं बात करें दोस्तों रॉबर्ट एजेवेडो की, तो वर्तमान में WTO के जो है तो प्रमुख है। कौन है? रॉबर्ट एजेवेडो WTO के वर्तमान प्रमुख हैं। और बात करें एंटोनियो गुटेरेस को, तो आपको बता चुका हूं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की अगली प्रमुख कौन होंगी? ये होंगी मिशेल बेचलेट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है न्यायमूर्ति राजन मेनन। देखिए दोस्तों न्यायमूर्ति राजन मेनन को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने $16 बिलियन की अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। देखिए दोस्तों चीन ने लगभग $16 बिलियन के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी 25% उत्पाद शुल्क लगा दिया है। इससे विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार युद्ध और गहरा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा OBC समुदाय के लोगों को 500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC समुदाय के लोगों को
500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 7.5%। देखिए दोस्तों, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार निवेश में बढ़ोतरी और मजबूत निजी खपत की बदौलत भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बढ़कर 7.5% होने का अनुमान, यानी ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों यहाँ पे बात करें IMF की, तो IMF की वर्तमान प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड कौन है? प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 27 सितंबर 1945। कब हुई थी? 27 सितंबर 1945 की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में मेंबर कितने IMF में? तो दोस्तों 189 कंट्रीज वर्तमान में मेंबर हैं IMF के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 अगस्त को, ठीक है। देखिए दोस्तों, देश में हैंडलूम बुनकरों का सम्मान करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है, और भारत में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो 7 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस आयोग ने अमेरिकी रिटेलर वॉलमार्ट द्वारा भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी? उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी ऑप्शन ए राइट है। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेरिकी रिटेलर वॉलमार्ट द्वारा भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं दोस्तों कल का आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। लगभग 99% स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियोज देखते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल, आज का क्वेश्चन क्या है? UIIC के निर्देशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। यदि आपने कल की वीडियो देखी तो आपको आंसर पता होगा, यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी दोस्तों जस्ट यहाँ पे प्ले होगी, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको कुछ भी सवाल सुझाव डाउट्स हो उसमें वहाँ पर भी बहुत सारे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यदि आपको सारे PDF एक साथ चाहिए, और सारी जो है लिंक्स दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, उस लिंक में आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।